गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टूडेज टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म. व्हाट इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन एंड अडैप्टिव रेडिएशंस. सो इन दिस टॉपिक यस्टरडे टॉपिक वी हैव रीड अबाउट वी जस्ट रीड अबाउट केमिकल इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन प्रूव बाय एस एल मिलर एंड एच सी यूरे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो केमिकल इवोल्यूशन को मिलर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है. तो मिलर्स जो एक्सपेरिमेंट वो आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में वो क्लियर कंप्लीट हो चुका है कि पूरी उसमें एनवायरनमेंट किसके जैसे दिया था, स्पेस के जैसे दिया था, और उससे क्या बन के निकला था, डीएनए आरएनए पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल्स. सो कंक्लूजन्स क्या निकला, एस एल मिलर्स का कंक्लूजन क्या था, इट्स प्रोवाइड केमिकल एविडेंसेस. ठीक है, कि केमिकल ओरिजन हुआ, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजन. सेकंड, इट शोड दैट द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पहले सेलुलर बॉडी फॉर्म नहीं हुआ, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म क्रिएट हुआ है. वो लगभग उसका टाइम पीरियड 3 बिलियंस ईयर एगो. तो सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ क्रिएट हुई है. ठीक है, और ये जो नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल्स थे ये किसके फॉर्म पे थे, डीएनए आरएनए पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन, और इनमें रेप्लिकेशन की नेचर थी. डीएनए में रेप्लिकेट होकर अपने जैसा ही कुछ वैसा ही मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता था, आरएनए की भी जेनेटिक मटीरियल. सो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन. देन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल. फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल में आपने क्या रीड किया कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड 3 बिलियंस ईयर एगो. सबसे पहले लाइफ बहुत सिंपल थी, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स थे. वो कितने थे, 3 मिलियंस ईयर एगो. फिर उसके बाद आए कुछ जायंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए लाइक आरएनए प्रोटीन पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, विच हैव प्रोबेबिलिटी और नेचर ऑफ रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए जो कि रिप्रोड्यूस हो सकते थे. वो क्या थे, डीएनए आरएनए लाइक दैट. फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो. जो सबसे पहले सेलुलर फॉर्म लाइफ का आया है वो 2000 मिलियन ईयर एगो है. और किस फॉर्म पर आया है, वो बैक्टीरिया के फॉर्म पर. और सबसे पहले जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. तो लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है, वाटर से, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से. सो दिस इज द सम लाइफ फॉर्म वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस. नाउ देन एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. नाउ आवर टॉपिक इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस को वी विल सेगमेंटेड evidences for evolution in following point. Evidence, evolution of evidences. तो क्या है ये अपना टॉपिक आज का, evolution and evidences. मतलब ऐसे कौन से evidences हैं जिससे evolution जो है उसके प्रमाण मिलते हैं और एवोल्यूशन जस्टिफाइड होता है. तो फर्स्ट उसके लिए एविडेंसेस कौन सा, फर्स्ट जो एविडेंसेस है वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. सेकंड है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बाद जो सेकंड एविडेंसेस है वो किसमें है, मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिवली एनाटॉमिकल एविडेंसेस. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर लॉजिकल. ठीक है, थर्ड आया एनाटॉमिकल एविडेंसेस. एनाटॉमिकल एविडेंसेस. देन बायोकेमिकल एविडेंसेस. बायोकेमिकल
evidences. Next, biogeographical evidences. Biochemical and biogeographical both are different. Next है bio geographical evidences. So ये कुछ ऐसे evidences मिले हैं fossils के through जो ये show करते हैं कि evolution हुआ है. तो सबसे first we will discuss paleontological evidences. Paleontological evidences based on the study of fossils. किसके ऊपर depend कर रही है? Fossils के ऊपर. ठीक है student? The study of fossils is called paleontologic. ठीक है? Fossils क्या है? What is the definition of fossils? Fossils are the remains or impressions of past organisms. Again, I will repeat it. Fossils are the remain or impressions. Fossils क्या हैं? Fossils are ये जो old organisms हैं, ठीक है ना? उनके impressions हैं past organisms के. Past organisms impressions. Impressions, remain impressions, ठीक है, बचे हुए जो past organisms थे उनकी body degraded हुई और earth के segments पर उन्होंने अपना एक impressions दे दिया जो earth के segments पर save हो गए और वो segmentation होता रहा earth का और इसके बाद वो save रहे, कभी ख़त्म नहीं हुए. और जब उनका paleontological पैलेंटो जो बॉटनिस्ट हैं या साइंटिस्ट, उन्होंने जब उसको फाइंड आउट किया तो वो सेडिमेंटेशंस फॉर्म पर प्रिजर्व हो चुके थे और वो शो करते हैं कि पास्ट टाइम पे कौन से ऑर्गेनिजम्स थे. सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स और अदर मीडिया. डिफरेंट एज अब सेडिमेंटेशंस, अब किस समय का सेडिमेंटेशंस है, ठीक है, तो इसके लिए भी अलग टू पॉइंट है. मतलब सेडिमेंटेशन ओल्ड है कि न्यू है, या फॉसिल्स न्यू है कि ओल्ड है. हाउ टू फाइंड इट? डिफरेंट एजेस रॉक सेडिमेंटेशंस इन अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स which died during the sediment formations. मतलब rocks की age को हम किससे find out करते हैं? Sedimentations पर. Earth के ऊपर sedimentation होता जा रहा है और sedimentation जो upper sedimentation है वो new earth होगी और जो inner sedimentation है काफ़ी अंदर की वो जो sedimentation है वो किसके लिए है? वो old sedimentations. तो fossils के impressions कहाँ मिले हैं? वो ओल्ड सेडिमेंटेशंस पे मिले हैं कि न्यू सेडिमेंटेशंस पर? ये शो करते हैं कि वो कितने पास्ट के ऑर्गेनिजम्स थे. बहुत पहले के यदि सेडिमेंटेशन में तो बहुत ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और लेटेस्ट सेडिमेंटेड रॉक्स पर हैं तो वो किस क्या शो करते हैं? न्यू ऑर्गेनिजम्स. तो सेडिमेंटेशंस फॉर्मेशन विल हेल्प टू डिफाइन द एज ऑफ द fossils. A variety of fossils ranging from the modern organisms to extinct organisms can be observed. मतलब fossils की range modern segments की है, modern organisms की है और extinct organisms की है. We can find by studying the different sedimentary layers the geological time period in which the organisms exist can be predicted. मतलब अर्थ की जो sedimentation layer है वो उसके geological time period को भी show करती है in which the organisms, और इससे हम ये भी clear कर सकते हैं कि organisms कितने दिन पुराना और कितना old है, उसका existence कितना old है या new है. So this is some for evidences
इन फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, जब हम फॉसिल्स के फॉर्म पर एविडेंसेस देखते हैं, इवोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वी कैन से इट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. नाउ सी दिस फिगर 7.2 फिगर ये क्या शो कर रहा है, ये फॉसिल्स से मिले हुए एविडेंसेस हैं. ट्राइनोसॉरस, सेरोटॉप्स, ठीक है, फिर टेरिंडोन्स, दीज आर द सम टेरिंडोन्स, क्लियर स्टूडेंट. फिर आता है आर्कियोप्टेरिस, ठीक है, सेगेटोसॉरस, देन ब्रोंकियोसॉरस. सो दीज आर द सम ऑर्गेनिजम्स दैट फॉसिल्स हैव फाउंड इन प्रीवियस टाइम पीरियड, और वो इनके एक लाइफ की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं. क्लियर स्टूडेंट. होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. अब आता है सेकंड, मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिवली एनाटॉमिकल एविडेंसेस. जो मॉर्फोलॉजिकल और ये दिस इज द सम फिगर इज गिवन देयर. सी दिस फिगर, बोगनविलिया कुकुरबिटा, ठीक है, बोगनविलिया कुकुरबिटा. सेकंड फिगर सी, या मैन, चीता, वेल, बैट, ये सब मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल, वेल से ही, वेल भी मैमल्स है, बैट भी, ये भी, लेकिन सबके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर डिफरेंस है. और ये क्या एक कॉमन बात है कि ये सब मैमल्स में हैं. तो एक मैमल्स अलग अलग सराउंडिंग के थ्रू जो उसमें अडोप्टेशंस हुए हैं, जो चेंज हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज अडोप्टेशंस. So our today's topic is morphological and comparatively anatomical evidences. Morphological में we have take phylogenic history. कौन सी history? Phylogenic history. Phylogenic history का मतलब पता है बेटा आप लोगों को, आप लोगों ने class 11th में ही पढ़ा था, phylogenic genetic history. Phylogenetical history can be revealed by the comparative studies of external or internal structure. Phylogenetic study के through हम कोई भी दो organisms के comparisons study कर सकते हैं. मतलब कहाँ से ये originate हुआ है और कितना जाके कहाँ जाके evolve हुआ है, दो चीज़ों की, दो organisms की हम study करके. इसमें एक examples दिया है, बोगनविलिया और कुकुरबिटा. बोगनविलिया और कुकुरबिटा दोनों क्या शो कर रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन. फाइलोजेनिक हिस्ट्री के इंक्लूड वी हैव रीड होमोलोगस और सेकंड एनालोगस. नाउ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, बोगनविलिया में थ्रोन, यू कैन सी थ्रोन, एंड कुकुरबिटा में हम लोग क्या देखते हैं, ये दिस इज टेंड्रिल. ये क्या है, टेंड्रिल, ठीक है. ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन है, टेंड्रिल एंड थ्रोन. क्यों ये होमोलोगस है, वाई दे आर कॉल्ड होमोलोगस, बिकॉज देयर स्ट्रक्चरल ओरिजन आर देयर, ओरिजन आर सेम. ये होमोलोगस है, क्यों होमोलोगस क्यों है, क्योंकि इनका ओरिजन सेम है. दोनों का ओरिजन क्या है, थ्रोन का ओरिजन और ट्रेंडल का ओरिजन किसी एक कॉमन सेल से हुआ है, ठीक है. लेकिन कुकुरबिटा में ट्रेंडल का वर्क क्या है, एक सपोर्ट करने काम पे आ गया, और थ्रोन कवर एक डिफेंस मैकेनिज्म पर. मतलब फंक्शन दोनों का डिफरेंट हो गया, बट ओरिजिन सेम है. दिस इज होमोलोगस. और दिस होमोलोगस ऑर्गन्स, विद द हेल्प ऑफ होमोलोगस ऑर्गन वी कैन आइडेंटिफाइड और वी कैन प्रूव एविडेंसेस. तो होमोलोगस और एनालोगस एविडेंसेस वी विल रीड इन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल्स है मैन, चीता, वेल और बैट. ये तीनों का कॉमन ओरिजन, ठीक है, इनके अपर आर्म्स
मैन के अपर आर्म्स, दिस इज अपर आर्म्स, ठीक है, इसमें दो बोन है, ठीक है, ये क्या करने के लिए है, मैन में इसका वो कोई चीज़ का कैच करना, पिक करना, ठीक है, फूड लेके अपने माउथ में डालना, तो इसका काम। चीता में ये क्या रन करने में वो हो रहे हैं, ठीक है, रनिंग में, चीता में इनका डेवलपमेंट मतलब ओरिजिन सेम है, लेकिन ये कुछ दूसरे वर्क के लिए करने लगे। व्हेल में ये स्विम करने के लिए, ठीक है, ऊपर आने के लिए। बैट में इनका यूज़ अलग तरीके से हुआ है, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड होमोलोगस। ये भी क्या है, होमोलोगस। सो दीज ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं और इट इज़ द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। थर्ड, और इसको हम लोग कौन सा भी कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो होमोलोगस इवोल्यूशन है, इट इज कॉल्ड एज को एनालोगस ऑर्गन्स को कोवर्जेंट, ठीक है, और होमोलोगस ऑर्गन को डाइवर्जेंट, ठीक है। सेकंड, इसका एग्जांपल्स दिया है किसमें, एनालोगस ऑर्गन में। तो एनालोगस ऑर्गन की क्या स्पेशलिटी है, एनालोगस ऑर्गन की, एनालोगस ऑर्गन विच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर, जिनका ओरिजन तो डिफरेंट है बट फंक्शन उसका सेम है, दिस इज कॉल्ड एज एनालोगी। और एनालोगी का अदर नेम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। सो हियर यू रीड टू टर्म, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन। सो दीज आर द सम एविडेंसेस दैट शो इवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट जो है एविडेंसेस, बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या है, बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या शो करता है, द सिमिलरिटीज इन प्रोटीन। जब सेम प्रोटीन हो, तो कहीं ना कहीं यदि सेम प्रोटीन और सेम फंक्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन ऑर्गेनिजम्स की कोई कॉमन एंसेस्ट्री जरूर होगी, ठीक है। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन और जीन्स परफॉर्म अ कॉमन गिवन फंक्शंस अमंग डाइवर्जेंट ऑर्गेनिजम्स गिव्स क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एंड कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट होते हुए उनमें कॉमन प्रोटीन है, ठीक है, जो कॉमन वर्क को फंक्शन क्या कर रही है, कॉमन वर्क कर रही है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिजम्स डाइवर्जेंट है बट प्रोटीन इनकी कॉमन है, तो दैट्स वी विल इंक्लूड इन बायोकेमिकल एविडेंसेस, ठीक है। ये शो करता है कि दीज अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रोटीन, दीज ऑल कम फ्रॉम सेम एंसेस्ट्रीज और सेम एंसेस्टर्स ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो सिमिलर विथ सेम न्यू मटीरियल एंड एंड प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सा यह है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, लाइक दैट, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस भी यदि सेम है, तो कहीं कॉमन एंसेस्ट्री उसमें है। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस दैट दम्स देर आर सम स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू रीजन्स डेवलप यूनिक फीचर, मतलब कुछ स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन्स पर होती हैं, और कुछ उस रीजन्स को अडॉप्ट करने के लिए एक कॉमन फीचर और यूनिक फीचर को डेवलप कर देती हैं, ठीक है। ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन वाइडली सेपरेटेड रीजन शो सिमिलरिटीज ऑफ एंसेस्ट्रीज, और जब वो यूनिक फीचर वाले ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे लोकल एरिया पर माइग्रेट कर जाते हैं या चले जाते हैं, तो वो डिफरेंट अडोप्टेशंस होने के बाद भी सिमिलरिटीज के बेस पर एक कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। तो दीज आर द सम एविडेंसेस, ठीक है स्टूडेंट। सो टुडे वी हैव रीड एविडेंसेस फॉर द लाइफ फॉर्म हेयर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और ये दिस वन। नाउ वी विल डिस्कस
The next topic, there are some points given in NCERT. These are similarities in protein. यदि प्रोटीन में सिमिलरिटीज है तो कौन सा है? बायोकेमिकल. कौन सा रहेगा ये? बायोकेमिकल एविडेंसेस. ठीक है. मैन हैज़ ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटीज. मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप. ठीक है. दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएट breeds that differ from other breeds. इसमें एक examples दिया है कि human being बहुत सारे और organisms को क्या कर रहा है, उस breeding, उसकी breed develop कर रहा है agriculture के form पर, horticulture के form पर, sports और security के लिए. ठीक है. wild animals को भी domesticated कर रहा है, crops को भी कर रहा है. तो वो कुछ समय के बाद वो जो breed है वो अपनी कहाँ से वो निकले, उससे वो धीरे 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 डिफरेंट होती जाएगी. ठीक है. तो दिस इज़ प्रैक्टिकली जो ह्यूमन बींग जो हाइब्रिड प्रोग्राम्स कर रहा है, इट इज़ इन एग्रीकल्चर फील्ड, हॉर्टिकल्चर फील्ड, स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी. दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैज़ क्रिएट ब्रीड दैट इज़ डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड. और अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उसमें जो हाइब्रिड्स डेवलप हो रहे हैं, जो ब्रीड्स क्रिएट कर रहे हैं, वो डिफर हैं. और इस तरीके से वो इवोल्यूशन को भी आगे जाके शो करेंगे. इट इज़ आर्गूड दैट इफ इवन 100 ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड, कुड नॉट नेचर हैव डन अ सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस supported evolutions by natural selections comes from England. एक इन्होंने कहा कि यदि human being इतनी जल्दी जल्दी hybrid form कर रहा है कि वो natural process से बहुत ज़्यादा fast process है. ठीक है. तो ऐसा कहा जाता है कि 100 years में human being धीरे धीरे new breed create करता जाएगा, और जो कि nature कभी 100 year में भी उसको create नहीं कर सकता. Another interesting observations supporting evolutions by natural selections come from England. और इसके लिए एक इंग्लैंड का एक industrials basis पे जो changes आए उसका एक examples लिया जाता है. What is that particular examples? Let us be discuss. In collections of moth made in 1950 before industrialization set in, it was observed that there were more white winged moth on trees and dark winged or melanized moth. क्या कहा कि बहुत सारे मौत का कलेक्शन के 1915 के डेज पर कहाँ पर? इंग्लैंड पर. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब वहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हुई थी, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो वाइट विंग मौत थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना. और ट्री जिनके जो ट्री के ऊपर जो डार्क विंग और मेलेनाइज्ड और कलर्ड जो मोथ थी जिनके विंग्स ब्लैक थे, कलर्ड थे, उनके कंपैरिजन में वाइट विंग मोथ बहुत ज़्यादा थी. हाउएवर इन द कलेक्शंस कैरीड आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई. आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, फ्लोरिश हो चुकी थी, उस समय पर क्या हुआ कि जो वाइट विंग जो मोथ थे, अब वो उनका नंबर कम हो गया था और डार्क विंग मोथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे सेम एरिया पर. द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स्ड, मीन्स वाइट मोथ का नंबर जैसे 100 और 100 वाइट 80 वाइट मोथ थी और 20 ब्लैक थे, अब वो रिवर्स हो गई. समझ में आया? ब्लैक मोथ जो है, ब्लैक विंग मोथ बहुत ज़्यादा हो गए 80% और 20% कौन से रह गए? वाइट. ठीक है. और क्यों ऐसा क्यों हुआ? द एक्सप्लेनेशंस क्या है इसका कि जब इंडस्ट्री शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा उसका स्मोक निकला इंडस्ट्रीज का, तो एनवायरनमेंट में स्मोक्स बहुत ज़्यादा आ गया. तो जो ट्री के ट्रंक थे वो सब कैसे हो गए? वो ब्लैक ब्लैक कलर के हो गए, और उसके ऊपर वाइट मोथ जो है ईजली अवेलेबल, इजली क्या थी? विजिबल थी. तो वो प्रीडेटर्स के थ्रू धीरे धीरे ख़त्म होती गई.
फिर उसको डेवलप करने के लिए ब्लैक कलर की जो मोथ थी उनमें इंटरब्रीड शुरू हुआ और उनका नंबर बढ़ता गया, वाइट धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो क्योंकि प्रीडेटर्स ने मोथ को स्पॉट करके और उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रीज स्मोक एंड शूट। अंडर दिस कंडीशन वाइट विंग मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स। अगेन कंडीशंस वही कि जब शूट वगैरह ट्री ट्रंक पर डिपॉजिट होने लगा तो वो जो मोथ थी वो धीरे 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 विजिबल हो गए और प्रीडेटर के थ्रू यूज होती गई। तो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज चेंजेस। इंडस्ट्रीज के थ्रू इंग्लैंड जो चेंजेस हुए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन। सो अगेन स्टूडेंट, अडेप्टिव रेडिएशंस वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।